हम चलते हैं सीधे मध्य प्रदेश में उन पत्रकार से बातचीत करने जिनकी फोटो बहुत वायरल हुई, बहुत दबाव बना शिवराज सिंह चौहान के ऊपर और दबाव में उन्होंने कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र और लोकतंत्र के खंभे पर हमला बोला गया मध्य प्रदेश में, वह निश्चित तौर पर हम सबके लिए बहुत चिंतनीय विषय है। न्यूज़ क्लिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है कनिष्ठ जी, और जिस तरह से आप लोगों ने एक आवाज़ भी उठाई, खास तौर से आपने, जिस तरह से दबाव बना, जिस तरह से आप लोगों के कपड़े उतार कर फोटो खींची गई और उसके बाद आपके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, लेकिन आप मजबूती से खड़े रहे। हम आपसे जानना ये चाहते हैं कि यह जो पूरा मामला हुआ है मध्य प्रदेश में, क्या इससे पहले भी पत्रकारों पर और खास तौर से जो छोटे चैनल चलते हैं उनके ऊपर और उनके पत्रकारों पे इस तरह का दबाव बनता रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मैं किसी मेन स्ट्रीम मीडिया और एक यूट्यूबर जो है, जो आजकल अमूमन जो पक्ष में खबरें चलाते हैं उन्हें तो एक अच्छे पत्रकार का दर्जा दिया जाता है, और जो खिलाफ में खबरें छापना शुरू कर देते हैं, दिखाना शुरू कर देते हैं, एक्सपोज करते हैं, उन्हें फर्जी पत्रकार का तमगा दे दिया जाता है। हालांकि पत्रकार का कोई, मुझे नहीं लगता कि प्रमाणीकरण पुलिस करे या फिर कोई सरकारी प्रमाण करेंगी कि कौन पत्रकार है कौन नहीं है, जबकि हमें पत्रकार की हद मालूम है कि एक हद में रह के जमीनी मुद्दे कैसे उठाए जाते हैं, कैसे समाज तक उन बातों को पहुंचाया जाता है जो बेहद जरूरी है कि हम जिसे वोट कर रहे हैं उसके भी जो कार्य क्रियाकलाप है उसके बारे में जानने का जनता को भी अधिकार है, उन सरकारों को भी अधिकार है जो दिन रात गुणगान करते हैं कि हम लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं। तो हम जैसे लोग जो छोटे पत्रकार होते हैं ना, क्योंकि हमें बड़ा स्थान बड़े चैनलों में नहीं मिलता है, हमारे न्यूज चैनल जो बड़े हैं, क्योंकि मैं बीते न्यूज नेशन में बतौर स्ट्रिंगर था सीधी का, और बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जो बड़ी खबरें होती हैं, उनके पास इतना खबरों में टाइम भी नहीं होता कि सीधी जैसी छोटी जगह की खबरों में, क्योंकि टीआरपी भी नहीं आएगी मैम, और मैं जानता हूं कि वो मुद्दा पूरी तरह से जब जनता के बीच जाएगा तब ही उसका कुछ इम्पैक्ट बनेगा, कुछ खबरों में असर होगा और किसी को फायदा पहुंचेगा। तो इस वजह से ये जो YouTube है और पोर्टल है, इसके पत्रकारों को लगातार हमेशा निशाने में लिया जाता है, कोई ये पहली बार मैं नहीं हूँ, आए दिन आप सोशल मीडिया में देखोगे। ठीक है, इस बार मीडिया एकजुट हुआ क्योंकि एक पत्रकार के सम्मान की बात थी, क्योंकि मुझे लगता है कि मीडिया का एकजुट होना कहीं ना कहीं हमें उस जगह पर पहुंचाएगा जब ये बातें तय की जाएंगी कि आखिर हम हैं कौन। दो चीजें मैं जो आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये घटना हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं जो उनको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है कि आप वहां पर गए थे, एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उस विरोध प्रदर्शन की खबर करने आप वहां गए थे, उसके बाद जितने लोग थे सबको पकड़ के उन्होंने थाने में रखा, और जैसा कि हमें पता है कि तकरीबन 24 घंटे या 18 घंटे से ऊपर आप लोग थाने में रहे, आप लोगों के सारे कपड़े हटा दिए गए थे और उसके साथ फोटो भी खींची गई। यह फोटो जो खींची गई, जो फोटो वायरल हुई, यह फोटो किसने खींची थी, और इसके बाद जो SHO ने कहा, जिसको आप वीडियो भी तमाम लोगों के पास है, कि हमने इसलिए उनके कपड़े हटा दिए, इसलिए अंडरवेयर में उनको रखा ताकि वो कहीं वो फांसी ना लगा लें। जी बिल्कुल, ये एक बेहद हास्यास्पद बात है, और एक गंभीर और विषय पर यदि बात करते करते SHO के द्वारा ऐसा बयान जारी किया गया है, तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि ये एक कहीं ना कहीं दमनकारी और बेहद कहा जाए कि क्रूर रवैया था एक उस फोर्थ पिलर के लिए, उस एक आम आदमी के लिए, जिस आम आदमी के लिए ये होता है कि पुलिस सुरक्षार्थ होती है, रक्षार्थ होती है, जो रक्षक की बात होती है वो भक्षक जैसा उनका बयान आया है। ठीक है, मगर मैं उन हालातों के बारे में बताता हूँ कि ये कैसे हालात बने और कहाँ पे ये फोटो खींची गई और किसने ये फोटो खींची और फिर क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोगों को देर रात लगभग 8:30-9 बजे के करीब अंदर भीड़ के साथ घुसेड़ा गया, पर्टिकुलर मुझे टारगेट किया गया, क्योंकि बीते 10 दिन पहले ये मैंने एक खबर चलाई थी कि थाना बना महखाना, सिटी कोतवाली थाना बना महखाना, क्योंकि उनके परिसर में शराब की बोतलें और कोरेक्स की बोतलें पड़ी थी। तो मैंने ये सवाल खड़ा किया था कि एक और भारत के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत की बात करते हैं और उन्हीं के परिसर में जब खुलेआम इस तरह गंदगी पसरी है तो हम कैसे माने कि वो एक सही संदेश दे रहे हैं और जनता से सही बातें हो रही हैं।
क्या जनता मतलब जनता तक उनके आदेश जाते हैं या फिर खुद भी जो उनके अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी है उनको उनके लिए भी प्रधानमंत्री जी के आदेश होते हैं। इस तरीके से खबर भी चलाई थी तो इसको काफी उन्होंने इशू बनाया थाना प्रभारी ने SHO ने। और जब मेरे साथ वो मारपीट करने लगे, आपको मैं बता दूं कि उस समय का जो भी वक्त था वो मैं मंजर याद करता हूँ तो अमूमन मैं भावुक हो जाता हूँ। मुझे दुख लगता है कि शायद मैं गरीबों की आवाज नहीं उठाता, शायद मैं सच की बात नहीं कहता तो मेरी हालात यहाँ नहीं होते, मेरे परिवार को सफर नहीं करना पड़ता, मेरे बच्ची को नहीं पूछना पड़ता कि आपकी तस्वीर ये कैसी तस्वीर है, जिसको मैं जब वो पूछती है तो मुझे बड़ा दुख होता है। हालांकि फिर मेरे साथ जब मारपीट हुई और जुलूस निकाला गया तो उस दौर पे ये कहा जा रहा था कि तुम पत्रकार हो, तुम विधायक और पुलिस के खिलाफ खबर नहीं चलाओगे, और यदि चलाओगे तो आज तो थाने के अंदर जुलूस निकाला गया है, कल तुम्हारा पूरे शहर में इसी तरीके से जुलूस निकाला जाएगा। और आपको बता दूं इसके बाद एक एक करके हमको थाने के अंदर बुला, मतलब थाना प्रभारी अपने रूम में बुलाते थे उसी तौर तरीके में। हमें कपड़े जब से हम घुसे हैं थाने के अंदर तब से कपड़े उतार दिए गए हैं। तो सुबह मतलब 3 तारीख की शाम को, 3 अप्रैल की शाम को 6 बजे हमें कपड़े दिए गए हैं। आपको बता दूं फिर हमें जो है देर रात लगभग 3:30 बजे पहले तो सिंगल सिंगल बुलाया गया, जहां पर आपको बता दूं एक थाना प्रभारी जो वहां के थे SHO वो बैठे हुए थे मनोज सोनी, दूसरे थे थाना प्रभारी अमिलिया अभिषेक सिंह परिहार, तीसरे व्यक्ति थे शेषमणि मिश्रा जो जमोड़ी थाना प्रभारी थे, और एक प्राइवेट व्यक्ति बैठा था जो शराब माफिया है, जो 6 महीने जेल जा चुका है शराब की तस्करी के मामले में, और वो विधायक का बड़ा करीबी और बड़ा खास है। आपको मैं 1000 फोटो दे सकता हूँ जिसमें वो विधायक के साथ बकायदा वो घूमते तो मौजूद थे जब आप लोगों की परेड कराई जा रही थी तो वो वहां मौजूद थे वो। जी हाँ, और जी, उसी जी। दौरान अभिषेक सिंह परिहार जो थाना प्रभारी अमिलिया है उनके द्वारा फोटो खींची गई। मैंने मतलब विरोध इसलिए नहीं किया, देखिए मैं समझ रहा था कि यहाँ पे विरोध करना कुल मिला के अभी जिंदगी मतलब जान भी दांव में लगी है, क्योंकि हम उनके कब्जे में थे, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, हमारे ऊपर कोई भी अपराध पंजीबद्ध कर सकते थे, तो हम भी डरे थे उस दौर पे, हम भी डर गए थे कि कुछ भी हो सकता है। आप कितने तो, साल कितने सालों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं? 8 सालों से कर रहा हूँ मैं। 8 साल से कर रहे हैं तो ये 8 साल में इस तरह का वाकया आपने कभी सुना या पूरे मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत कुख्यात रहा है, वहां पे जिन लोगों ने व्यापम कवर किया उनके ऊपर भी निशाना साधा गया था कई पत्रकारों पे, तो क्या आपने इससे पहले इस तरह का वाकया देखा सुना था पहले? जी मैं बता दूं मैम, ये सरकारों पर तो मैं नहीं कह सकता हूं किंतु लोगों की मानसिकता जरूर है, क्योंकि स्थानीय स्तर में हम लोग स्थानीय पत्रकार हैं ना, हमें सरकार के योजनाओं से मतलब नहीं है, सरकार क्या पहुंचा रही है क्या नहीं पहुंचा रही, हम जब स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं मैम, जब लोगों के घरों तक पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर आपको जो सुविधा की यहाँ पे मतलब कवायद सरकार तो नहीं करती, क्योंकि यहाँ जिला प्रशासन के नीचे हम लोग काम करते हैं, तो हमारी सीधी लड़ाई उस व्यवस्था से होती है मैम, जिस व्यवस्था में एक जिला चलता है। हम सरकारों तक इसलिए नहीं पहुंचते क्योंकि सरकारों तक हमारी आवाजें कभी पहुंचती नहीं है, हम स्थानीय पत्रकार होते हैं। हालांकि आज जब हमें जरूरत पड़ी आप सभी का अच्छा सहयोग मिला, बातें पहुंची और अब उस पर डिस्कशन हो रहे हैं, लोगों के मत आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब स्थानीय पत्रकार काम करता है तो वो कलेक्टर के दबाव में काम करता है, SP के दबाव में काम करता है, एक थाना प्रभारी के दबाव में काम करता है, एक विधायक के दबाव में काम करता है, मतलब उसके अराउंड आपको इर्द गिर्द यही सिस्टम ही यही कॉकस मिलता है जिसके अराउंड हम काम करते हैं, और जब काम करते हैं तो इन्हीं के विरुद्ध आवाजें उठती है, क्योंकि हम शिवराज सिंह के लिए नहीं कह सकते कि उनके वजह से एक गांजा तस्कर जो है एक गांव को बर्बाद कर रहा है, हम यही कहते हैं कि एक गांजा तस्कर एक गांव को पुलिस अधीक्षक कलेक्टर और विधायक और जो सांसद है स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनके संरक्षण में फल फूल रहा है। हम सवाल उस स्थानीय व्यवस्था से पूछते थे, और इसलिए मुझे लगता है कि जो आंचलिक और स्थानीय पत्रकार है हमेशा उस व्यवस्था के सताए हुए जरूर होते हैं। आगे 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 आप क्या प्रक्रिया सोच रहे हैं, क्योंकि अभी आपका मुद्दा काफी आया भी और मुझे लगता है कि वहां पर भी कई पत्रकार आपके समर्थन में उतरे होंगे, तो आगे आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा?
जी मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल तो मैं अपने परिवार और खुद की सुरक्षा के लिए सबसे आप सबसे जो है पहले तो कहूंगा कि हमें उस लायक बना दें कि हम कम से कम अपनी आवाज उठा पाए। हालांकि मोबाइल कमरे के अंदर है, घर के अंदर है, तो अभी सारी चीजें ठीक है, मगर घर से बाहर निकलेंगे, जब सोचिए कि एक पुलिस को एक विधायक अपने उंगलियों में नचा सकता है, एक सिस्टम को एक विधायक उंगली में नचा सकता है, तो उसके साथ जो कहा जाए ऐसे लोग भी रहते हैं जो पूरी तरह से अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, वो किसी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि एक विधायक के इमेज की बात आ रही है, कुछ पुलिस वाले सस्पेंड हो रहे हैं, तो एक बड़ा कहा जाए उनका भी एक गुट है जो कहीं ना कहीं हमें टारगेट कर रहा है। जी 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 तो निश्चित तौर हम आपके साथ हैं, और ये जो चिंता है कि पत्रकार बतौर पत्रकार आपकी सुरक्षा होनी चाहिए, और आपने क्योंकि दूसरे ढंग की एक विसल ब्लोइंग का भी काम किया है, दूसरे ढंग से आपने चीज़ों को आपकी वजह से चीज़ें सामने आई हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन मिला हुआ है और पत्रकार जानते हुए भी किस तरह का सलूक उन्होंने किया जो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आपकी ये जो मांग है इसे हम इसके साथ हम खड़े होते हैं, और मुझे लगता है कि पत्रकारों की सुरक्षा और मीडिया मीडिया जैसे काम कर पाए, यह चिंता जैसे आपकी है वैसे ही हमारी है। न्यूज़ क्लिक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।